हेलो एवरीवन, हेलो सनवाज, हेलो निशा, गुड आफ्टरनून मीरा, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू मोबाइल। हेलो केशव, हेलो गरिमा, गुड आफ्टरनून अनंत, हेलो निकिता। चलिए भाई, आज मैंने डिसाइड किया है कि थोड़ा आप लोगों को आपके क्लास से रूबरू करा दूं। कई दिनों से आप लोग क्लास मिस कर रहे होंगे। गुड आफ्टरनून अमृता। देखिए भाई, कुछ याद आ रहा है इस क्लास के बारे में क्या? चलिए, बहुत जल्द जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगी तो वापस हम लोग इसी क्लास में मिलेंगे। फिलहाल आप लोग सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। और भाई, कल तो हम लोगों ने क्लास लिया नहीं था, तो कल मैंने कहा था कि आप लोग रिवाइज कीजिए। कितनों ने अच्छे तरीके से चैप्टर को रिवाइज किया है बताइए भाई। बहुत याद आ रहा है, कोई नहीं, वापस आएगा वो समय जब फिर से आप लोग इसी क्लास में दिखेंगे। गुड आफ्टरनून गुलाम। चलिए भाई, हम लोग कुछ बेसिक चीजों को रिवाइज करते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत स्टार्ट कर रखा था, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केबीसी यानी किंगडम बायोलॉजी क्लासेस में। और आज आप लोग मेरे साथ विवेकानंद, मैं विवेकानंद के साथ आप लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए भाई, अब रिप्रोडक्शन को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म या जीवों की उत्पत्ति ताकि जनरेशन आगे बना रहे, ठीक है भाई, ताकि ये जनरेशन चलता रहे, स्पीसीज, ये जो कंटिन्यूटी है स्पीसीज का, ये सतत बना रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। मैंने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में आप लोगों को रिप्रोडक्शन को डिफाइन करके बताया था, और क्या उसके बाद मैंने उस वीडियो में सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच में डिफरेंसेस भी बताया था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यूनिसेल्यूलर में रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन का टर्म लगभग एक जैसा ही होगा। वहां ग्रोथ की बात कीजिए या रिप्रोडक्शन की बात कीजिए, बात बराबर होगी। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे आज, और आज ही देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। तो सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून, और चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। तो मैं कैमरा को वापस बैक कर रहा हूं। थोड़ा कैमरा एडजस्टमेंट कर लेते हैं भाई। दिख रहा है सभी को आराम से? चलिए भाई, हाँ भाई, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास टर्म है रिप्रोडक्शन। क्या टर्म है भाई? रिप्रोडक्शन। ध्यान से सुनिएगा कि इस रिप्रोडक्शन का अर्थ क्या होता है। री और प्रोडक्शन। री का मतलब अगेन, और अगेन को कहते हैं हम लोग दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, जिसको हम लोग बोलेंगे उत्पन्न कर। क्या बोलेंगे भाई? उत्पन्न कर। तो ये तो बातें हमने पहले ही कर रखा है, अब हम लोगों को थोड़ा इसको आगे बढ़ाना है। तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले रिप्रोडक्शन किसमें भाई? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। किसमें समझेंगे भाई? यूनि
सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय जीव। कितने कोशिका से बना जीव भाई? एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जो एक कोशिका का बना हुआ। इसको समझिए ध्यान से। कहते हैं कि अगर कोई एक सेल से बना ऑर्गेनिज्म, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई एक सेल का बना ऑर्गेनिज्म, अगर इसमें सेल डिवीजन होती है, क्या होती है भाई? सेल डिवीजन। तो ये अलग अलग दो ऑर्गेनिज्म बनेगा, जहां दोनों का दोनों क्या होगा भाई? यूनिसेल्यूलर। ये दोनों साथ में नहीं रहेगा, क्योंकि अगर साथ में रहेगा तब तो ये यूनिसेल्यूलर ही नहीं रहेगा, फिर तो ये बन गया दो सेल का, मतलब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। मतलब रहना तो दोनों को अलग अलग ही है। तो इस तरीके से देखते हैं कि यहां सेल डिवीजन होने से दो नया यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यहां रिप्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया भाई? रिप्रोडक्शन। क्योंकि इसके जैसा ही दो अलग अलग जीव का उत्पत्ति हो गया, इसलिए इसको कहा गया रिप्रोडक्शन। यहां पर आप चाहे तो वर्ड यूज कर सकते हैं ग्रोथ। क्या यूज कर सकते हैं भाई? ग्रोथ। क्यों? तो समझते हैं इस बात को। सबसे पहले तुम लोग ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में कुछ बेसिक बातों को समझते हैं, क्या होता है कुछ बेसिक डिफरेंसेस। जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोगों को प्रोड्यूस करना, ठीक है? जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को वापस से प्रोड्यूस कर देना, वो तो हो गया रिप्रोडक्शन। लेकिन जब हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ का मतलब क्या? नंबर इंक्रीज करना। सिंपली मैं बचपन में छोटा सा था तो मेरे में सेल का नंबर कम था, आज मैं इतना बड़ा हो गया मतलब मेरे में सेल का नंबर कहीं ज्यादा हो गया, तो इसको कहा जाएगा ग्रोथ। क्या कहा जाएगा भाई? ग्रोथ। लेकिन मेरे ही जैसा अगर मेरा बेबी आ जाता है तो ये हो जाएगा रिप्रोडक्शन। क्या हो जाएगा भाई? रिप्रोडक्शन। तो यहां पर देखिए कि इसके ही जैसा दो अलग अलग यहां पर ऑर्गेनिज्म बन गया तो हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन, लेकिन यहां इसके सेल के नंबर में भी इंक्रीमेंट हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ग्रोथ भी कह सकते हैं। तो ये तो था भाई आपका यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। रिप्रोडक्शन को हम लोग ग्रोथ भी कह सकते हैं। आज हम लोगों को बेसिकली समझना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग इधर देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। आप लोग नोट कर लीजिएगा, चलिए भाई आज हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले इसका हिंदी जान लेते हैं। हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन या फिर प्रजनन। अलैंगिक या एसेक्सुअल का अर्थ क्या होता है? जहां पर सेक्स ऑर्गेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जहां गैमिट्स या युग्मक का संलयन या फिर फ्यूजन नहीं होगा, जहां पर दो डिफरेंट पेरेंट नहीं एक पेरेंट से ही काम हो जाए, जहां पर मियोसिस या फिर वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, जहां पर विकास का कोई संभावना नहीं है, जहां पर समय बहुत कम लगता है, जहां पर संततियों या फिर ऑफस्प्रिंग या फिर बच्चे का संख्या ज्यादा होता है। अब यहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब भी किसी ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है, ध्यान से सुनिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने बच्चे को या ऑफस्प्रिंग को हम लोग एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं, इस टर्म को कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं भाई? क्लोन। अब आपसे अगर पूछा जाए कि डिफाइन क्लोन, जो कि बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा भाई? कि ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। आप लोग इसका डेफिनेशन भाई कमेंट सेक्शन में डालिएगा जो मैं बोल रहा हूं। क्या कह रहा हूं? कि ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ऐसे संतति जिनका जन्म
अलैंगिक प्रजनन के द्वारा हुआ है तथा जो अनुवांशिक रूप से तथा आकारिकी रूप से एक समान दिखता है उसे क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? क्लोन। मैंने हिंदी में भी बताया और इंग्लिश में भी, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका डेफिनेशन क्लोन एक कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। अब अगर पूछा जाए सबसे सिंपल सा क्वेश्चन कि व्हाट इज क्लोन, तो ये आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है क्लोन से रिलेटेड कि भाई ये बताइए कि ये जो क्लोन है, किसकी बात करी जा रही है, ये जो क्लोन है क्या जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसको कहते हैं, काई प्रजनन की जब बात करी जा रही है, या फिर काई प्रवर्धन, किसकी बात कर रहे हैं भाई, काई प्रवर्धन, कि जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है तो क्या तब भी हम लोग क्लोन वर्ड यूज करेंगे, तो इसका जवाब हमें थोड़े देर बाद मिलेगा। फिलहाल तो हम लोग देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने कुछ बातों को इसके पहले वाले वीडियो में बताया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए भाई अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग एक एक करके पहले हम लोग नेम मेंशन कर लेते हैं, फिर सबको हम लोग विद प्रोसेस पढ़ लेंगे। सबसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला फीजर, क्या है भाई फीजर। सबसे पहला अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम लोग टाइप की बात करते हैं तो वो है अपने पास फीजन। अब बात ये आती है कि फीजन का मतलब क्या होता है भाई, फीजन का मतलब होता है विखंडन। क्या होता है भाई? विखंडन। नाम से ही पता चल रहा है कि खंडों में विभाजित होगा, फीजन हो रहा है, टूट रहा हो, ठीक है। इसको फर्दर डिटेल में हम लोग भी आगे समझेंगे, फिलहाल हम लोग दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आपके पास आ जाएगा बडिंग। दूसरा कौन सा आ जाएगा भाई? बडिंग। इस बडिंग को हिंदी में कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं भाई? मुकुलन। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। दूसरा टाइप क्या हो गया भाई? बडिंग, जिसको क्या कहा जा रहा है? मुकुलन। अब तीसरे की बात करेंगे तो ये हो जाएगा स्पोर फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा भाई? स्पोर फॉर्मेशन, जिसको कहा जाता है बीजाणु गठन या फिर बीजाणु जन्म, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। क्या पढ़ेंगे भाई? फ्रेगमेंटेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग खंडन। क्या कहते हैं भाई? खंडन। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रीजेनरेशन। क्या पढ़ेंगे भाई? रीजेनरेशन। रीजेनरेशन को कहते हैं पुनर्जनन। क्या कहते हैं भाई? पुनर्जनन। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं भाई? कायिक प्रवर्धन। ये अपने पास छह तरह के मीन्स है या छह तरीका है जिसकी मदद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोगों को समझना है या फिर पढ़ना। दो चार बातें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा सिंपलर बॉडी डिजाइन या सिंपलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले जीवों में होती है, मतलब जिनका कायिक, जो कायिक संरचना की बात करी जा रही है वो साधारण हो, उनमें ही हम लोग लगभग क्या देखते हैं भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की या कायिक प्रवर्धन की तो ये प्लांट में होता है। ये किसके लिए टर्म दिया गया भाई? प्लांट के लिए या फिर पौधों के, ठीक है। यहां तक आपके क्लियर हो गया सारी बातें? अब हम लोग एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले फ्यूजन क्या है, बडिंग क्या है, स्पोर फॉर्मेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, ये हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहला आपके पास फीजन। क्या है भाई? फीजन। अब फीजन का अर्थ क्या है? फीजन का अर्थ है विखंडन, मतलब खंडों में बट जाना और उन्हीं सारे खंडों का वापस से नए जीव में उत्पत्ति कर लेना, यह कहलाता है विखंडन।
क्या कहलाता है भाई? विखंडन। मतलब ऑर्गेनिजम्स का पार्ट्स में डिवाइड हो जाना और उन सभी पार्ट्स का नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाना क्या कहलाता है भाई? विखंडन। तो विखंडन जब हम लोग देखते हैं, विखंडन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भाई? दो प्रकार का। सबसे पहला विखंडन होता है बाइनरी फ्यूजन। क्या होता है भाई? बाइनरी फ्यूजन। अब नाम सही यहां कह रहा है बाई। बाई का मतलब क्या होता है? दो। इसको हिंदी में कहते हैं द्वि विखंडन। क्या कहते हैं भाई? द्वि विखंडन। नाम से ही पता चल रहा है कि दो, जब दो खंडों में विभाजित हो जाए और दोनों ही खंड नए नए जीवों में उत्पन्न हो जाए, विकसित हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? विखंडन। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा। क्या होगा भाई? अमीबा। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे आपके बुक में मेंशन किया गया है ईस्ट। ठीक है भाई, ईस्ट। अब अमीबा को भी हिंदी में अमीबा ही कहते हैं और ईस्ट को भी हिंदी में ईस्ट ही कहा जाता है। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पता चलेगा कि कैसे विखंडन होता है। तो ये ईस्ट वाला आपके बुक में फिगर के साथ एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी में, तो मैं आपको अमीबा के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ईस्ट का तो दिया हुआ है। देखिए, सपोज कीजिए कि ये जैसे अपने पास एक अमीबा। क्या है भाई? अमीबा। ध्यान से देखिएगा, इस अमीबा के हम थोड़े से स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं कि यहां क्या क्या नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो बाहर से मेम्ब्रेन दिख रहा है भाई, ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप क्या कहिएगा? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहेंगे हम लोग कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाएगा भाई? कोशिका झिल्ली। यहां अंदर में मिलेगा न्यूक्लियस। क्या मिलेगा भाई? न्यूक्लियस। ये अंदर में मैंने क्या बनाया हुआ है? न्यूक्लियस, जिसे केंद्रक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? केंद्रक। फिर ये हम लोगों को इधर साइड से ये जो एक फैला हुआ आकृति दिख रहा है, इसको क्या कहा जाएगा? स्यूडो पोडिया। हिंदी में कहा जाता है कूटपाद। क्या कहा जाता है भाई? कूटपाद। अब स्यूडो पोडिया को अगर समझे तो स्यूडो का मतलब होता है झूठा या फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फिट। क्या होता है भाई? फिट। मतलब ये हाथ पैर तो नहीं है लेकिन वैसा ही कुछ काम करेगा, इसलिए इसे कहा गया है स्यूडो पोडिया। और आप चाहे तो अंदर में भर ले साइटोप्लाज्म। क्या भर ले भाई? साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म। अब यहां कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वगैरह भी होता है जिसे मैं फिलहाल मेंशन नहीं कर रहा। अब हम लोग आते हैं बाइनरी फ्यूजन पे कि कैसे कोई अमीबा दो अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाता है। तो सबसे पहले इस अमीबा में बीच से होता है कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब संकुचन। क्या होगा भाई? संकुचन। देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास जो अमीबा था इसमें बीच से क्या हो गया? संकुचन। ऊपर से भी ये संकुचित हो रहा है और नीचे से भी क्या हो रहा है भाई? संकुचित। तो ऐसा करने से बीच में एक थोड़ा सा फ्यूरो या गड्ढा जैसा बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? गड्ढा। और यह संकुचन कंटिन्यू रहता है, सतत रहता है और फाइनली ये दो अलग अलग अमीबा में टूट जाता है। दो अलग अलग अमीबा में क्या होता है भाई? टूट जाता है। यहां नए बने अमीबा को डाउटर सेल्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई? डाउटर सेल्स। ये डाउटर सेल्स फर्दर डेवलप होकर, विकसित होकर नए अमीबा का निर्माण कर लेता है। तो देखिए भाई, यहां एक अमीबा से दो नए अमीबा का निर्माण हो रहा है, दो ही हो रहा है, इस कारण से इसे नाम दिया गया है द्वि विखंडन। आपके बुक में ईस्ट के फिगर के साथ एक्सप्लेन किया गया है, ऐसे ही बनाया गया है ईस्ट, सॉरी मैं क्या बता दिया अभी, बाइनरी फ्यूजन में ये मैंने बताया अभी अमीबा। क्या बताया भाई? ईस्ट। ठीक है, सॉरी ईस्ट में बडिंग होगा। क्या होगा भाई? बडिंग। मिस्टेक हो गया, ध्यान से उतर गया, देखेगा। ये तो भाई आपके पास है फ्यूजन, किसमें? अमीबा में। ईस्ट में बडिंग होता है। क्या होता है भाई? बडिंग। गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। ईस्ट में क्या होता है भाई? बडिंग।
अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट जो अपने पास है बडिंग। देखिए भाई इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो देख लीजिएगा। ये मैंने पहले बताया हुआ है बाइनरी फ्यूजन, अब मुझे बताना है मल्टीपल फ्यूजन। नेक्स्ट अपने पास है मल्टीपल फ्यूजन। इस मल्टीपल फ्यूजन को हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में, इसको कहेंगे बहुविखंडन। क्या कहा जाएगा भाई इसे, बहुविखंडन। अब बहुविखंडन को कैसे समझेंगे और ये किसमें होता है, ये बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में होता है। किसमें होता है भाई, प्लाज्मोडियम। अब नाम में यहां पर लिखा हुआ है बहु मतलब ढेर सारा, बहुत सारा होगा। मल्टीपल मतलब मोर देन वन होगा, ठीक है, मोर देन यहां टू होगा और कई सारा होगा। तो कह रहा है अगर ये अपने पास एक प्लाज्मोडियम है तो सबसे पहले इसके अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और ढेर सारे न्यूक्लियस को यहां पर प्रोड्यूस करेगा, और फाइनली जब अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशन होगा तो ये बर्स्ट करेगा और सारा का सारा ये कहां निकल जाएगा भाई, बाहर। तो इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलेगा बहुविखंडन, जहां न्यूक्लियस कई सारे डिवीजन मल्टीपल टाइम्स ऑफ डिवीजन के बाद ढेर सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, विखंडन। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों के लिए नंबर टू बडिंग। क्या है भाई, बडिंग। बडिंग को हिंदी में कहा जाता है मुकुलन। क्या कहा जाता है भाई, मुकुलन। अब ये मुकुल या बर्ड होता क्या है, तो कहते हैं कि जब सेल डिवीजन के द्वारा एक एक्सटर्नल आउटग्रोथ अपीयर हो जाए, मतलब कोई बाह्य वृद्धि बन जाए, जैसे कि आपके बुक में ईस्ट से एक्सप्लेन किया गया है। मान लीजिए कि ये ईस्ट है, इस ईस्ट पर एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाता है, इस आउटग्रोथ को कहा गया है बर्ड। क्या कहा गया भाई, बर्ड, या इसी को कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं हम लोग, मुकुल। अब ये बर्ड थोड़ा बड़ा होगा और ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, मैच्योर। जब ये परिपक्व पूर्ण रूप से हो जाएगा तो ये बर्ड इससे टूट कर नए ईस्ट का डेवलपमेंट कर देगा, नए ईस्ट में विकसित हो जाएगा। तो ये किसमें दिख रहा है भाई हम लोगों को, ईस्ट में। किसमें दिख रहा है भाई, ईस्ट में। सिंपल सा बात है कि अगर बॉडी में सेल्स के ग्रोथ के कारण से, सेल्स के नंबर में इंक्रीमेंट के कारण से एक एक्सटर्नल आउटग्रोथ बन जाए और ये आउटग्रोथ मैच्योर होने पर टूट जाए और टूटने पर नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए, विकसित हो जाए, तो इसे बडिंग। क्या कहा जाता है भाई, बडिंग। बडिंग आप लोगों को हाइड्रा में भी देखने को मिलेगा। किसे मिलेगा भाई, हाइड्रा। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, हाँ भाई सिमाही राज लाइट ऑन कीजिए, सब दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को, ट्राई क्या, स्पोर फॉर्मेशन। क्या भाई, स्पोर फॉर्मेशन। तीसरा है अपने पास स्पोर फंगी में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जिस स्ट्रक्चर के अंदर होता है स्पोरेंजियम, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, कहते हैं कि अगर इस बीजाणुधानी के अंदर यहां क्या बनेगा भाई, ढेर सारा स्पोर्स बनता है। क्या बनता है भाई, ढेर सारा स्पोर। ये क्या बन गया, स्पोर। इस स्पोर को कहते हैं बीजाणु। क्या कहते हैं भाई, बीजाणु। कहते हैं कि जब भी कहीं आपको ढेर मतलब प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूल आएगा, ये सिस्ट बर्स्ट हो जाएगा, स्पोरेंजियम बर्स्ट कर जाएगा और सारे स्पोर बाहर की ओर निकल जाएंगे। जब ये स्पोर जमीन पे जाएगा और इसे फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, जब ये स्पोर जमीन पे चला जाए और इसे अगर अनुकूल परिस्थितियां मिल जाए
तो ये वापस से नए जीव में विकसित हो जाता है। इसे ही कहा जाता है बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन। यहां एग्जांपल की बात करेंगे कि आपके पास हो गया ब्रेड माउल्ड फफूंदी, जो रोटी के ऊपर में आप फफूंदी देखते हैं उसमें यही स्पोर फॉर्मेशन ही देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है भाई? स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये समझ में आ गया आप लोगों के। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो अपने पास फोर्थ है फ्रेगमेंटेशन। फोर्थ क्या भी अपने पास? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में कहते हैं खंडन। क्या कहा जाता है? खंडन। ये आपको स्पाइरोगायरा में देखने को मिलेगा। किसे मिलेगा भाई? स्पाइर। कि जब कोई स्पाइरोगायरा, जब कोई स्पाइरोगायरा, ये मैं स्पाइरोगायरा का फिगर बना दे रहा हूं, ठीक है, जब कोई स्पाइरोगायरा में चोट लगता है, ठोकर लगता है, तो ये कई सारे फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाता है। ये क्या होता है भाई? कई सारे फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाता है, और ये सभी फ्रेगमेंट फिर नए नए स्पाइरोगायरा में डेवलप हो जाता है। इस कारण से इसका नाम दिया गया है फ्रेगमेंटेशन। ध्यान से याद रखिएगा एग्जांपल। एग्जांपल क्या है भाई? स्पाइरोगायरा। क्या है भाई? स्पाइरोगायरा। फिर नेक्स्ट है अपने पास रीजनरेशन एरिया। क्या नाम है भाई? प्लेनेरिया। इस एग्जांपल का क्या नाम है? प्लेनेरिया। अब देखिए कि प्लेनेरिया में रीजनरेशन कैसे होता है। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? पुनर्जनन, वापस से किसी कटे फटे अंग है रीजनरेशन या फिर पुनर्जनन। तो देखिए इस फिगर को समझिए, जैसे कि ये अपने पास एक प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया। अगर प्लेनेरिया को किसी कारण से अगर ये कई कहीं कट लग जाए, क्या लग जाए भाई? कट। देखिए मैंने इसे काट दिया, जैसे ये अलग अलग भागों में कट गया, यहां सभी अलग अलग भाग नए नए प्लेन एरिया में विकसित हो जाता है। ये ऊपर का भाग नीचे वाले भाग को विकसित कर एक प्लेन एरिया बना देगा, ये बीच वाला भाग ऊपर भी और नीचे भी दोनों ही साइड ये भागों को विकसित कर नए प्लेन एरिया में विकसित हो जाएगा, और नीचे वाला भी इसी प्रकार नए प्लेन एरिया में विकसित हो जाएगा। तो यहां पुनर्जनन, कटे भागों से वापस से अपने अंग को जनन कर रही है, जिससे कि नए जीवों का विकास हो रहा है, तो इसे कहा गया है पुनर्जनन। क्या कहा गया है भाई? पुनर्जनन। ध्यान से देखेगा तो इससे पता चलेगा कि क्या हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे शरीर में भी पुनर्जनन हो सकता है क्या? तो ध्यान से समझिए कि जब आपके शरीर में कभी चोट लग जाता है, वहां से स्किन अगर डिटैच हो जाए, तो क्या वापस स्किन बन जाता है क्या? बिल्कुल बन जाता है। ये भी क्या भाई? पुनर्जनन ही है। लेकिन यहां पर हम लोग जीव की उत्पत्ति नहीं कर रहे। अगर बात करें छिपकली की, तो छिपकली का भी पूंछ कटने के बाद वापस बन जाता है। तो ये भी क्या दिखा रहा भाई? पुनर्जनन ही बता रहा, ठीक है, लेकिन वहां जीवों का जन्म नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें या नए जीवों में विकसित हो जाता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार हो गया रीजनरेशन। ध्यान से देखिएगा तो इन सभी में से कहीं भी हम लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा जिसमें दो जनक का जरूरत पड़ा हो, जिसमें दो पेरेंट का जरूरत पड़ा हो, जिसमें मेल और फीमेल का जरूरत पड़ा हो। इसलिए इन सभी को कहा गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब दो पेरेंट का जरूरत नहीं पड़ रहा है, मतलब यहां पर कोई सा भी वेरिएशन नहीं होगा, और वेरिएशन नहीं होगा तो विकास भी नहीं होगी। तो इस तरीके से भाई अपना खत्म हुआ रीजनरेशन। अब हम लोगों को देखना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या कहा जाएगा भाई, कायिक प्रवर्धन। कायिक मतलब काया, काया मतलब शरीर। जब शरीर के ही किसी भाग से वर्धन मतलब नए जीव की वृद्धि हो रही है तो इसे बोला गया है कायिक प्रवर्धन। अब इस कायिक प्रवर्धन को थोड़ा समझते हैं और एक एक करके देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन किन किन के द्वारा होता है। तो ये कायिक प्रवर्धन आपका स्टेम के द्वारा देखने को मिलता है। ये कायिक प्रवर्धन की बात करेंगे तो लीफ के द्वारा भी देखने को मिलता है, और ये कायिक प्रवर्धन की अगर बात करेंगे तो रूट के भी द्वारा देखने को मिलता है। स्टेम मतलब तना, लीफ मतलब पत्ते, और रूट मतलब मूल या फिर जड़। मतलब पौधे के तना से, लीफ से या फिर मूल से नए पौधे का विकास हो जा रहा है तो इसे कहा जा रहा है कायिक प्रवर्धन। या किसी अन्य पौधे, नर और मादा पौधों का आवश्यकता नहीं है, इस कारण से इसे बोला गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी मैंने आपसे शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था कि क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्लोन टर्म दे सकते हैं। तो भाई हाँ, बिल्कुल हम लोग क्लोन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने ऑफस्प्रिंग को भी क्लोन कहा जा सकता है। और यहां बात आती है, सॉरी, एसेक्सुअल वाले को तो कहते हैं, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बनने वाले को भी हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोन ही कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? क्लोन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सबसे पहले स्टेम से किस प्रकार हो।